इंसान को कभी मशीन की तरह नहीं समझना चाहिए, उसे मशीन की तरह हांकना बंद करो। अरे वो इंसान है, उसमें वही एहसास है, जज्बात है जो हमारे और आपके अंदर है। ये शब्द हैं रूसी मोदी के, जो संपन्न घर में पैदा हुए, पिता गवर्नर थे, चाहते तो वो आराम से अपना जीवन गुजारते। एक कंपनी में 50 रुपये महीने की सैलरी पर फोरमैन की नौकरी की, फिर बाद में उसी कंपनी में MD के पद पर पहुंचे। एक वो दौर आया जब रूसी मोदी का मतलब टाटा स्टील होता था, फिर एक वो भी दौर आया जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज कहानी रूसी मोदी की, जो अपनी शर्तों पर जीते थे। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। साल 1949 से 1952 तक यूपी के गवर्नर रहे सर HP मोदी, अगर पैरवी करते तो उनके बेटे को आसानी से नौकरी मिल जाती, यहां तक कि किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रख लिया जाता। लेकिन एक दिन उन्होंने बेटे रूसी मोदी को नौकरी के लिए JRD टाटा के पास भेज दिया। JRD टाटा ने सर HP मोदी से पूछा, भाई तेरे बेटे को मैं कौन सी नौकरी दूं? सर HP मोदी ने पूछा, तुम्हारे यहां सबसे नीचे स्तर की कौन सी नौकरी है? JRD बोले, फोरमैन की। सर HP मोदी ने तुरंत कहा, बेटे को फोरमैन की नौकरी दे दो। सर HP मोदी के दूसरे बेटे रूसी मोदी का जन्म 17 फरवरी साल 1918 को मुंबई में हुआ। उनके एक भाई पीलू मोदी, जो लोकसभा सदस्य रहे हैं, और छोटे भाई काली मोदी, जिन्होंने डिनर्स क्लब की स्थापना की। रूसी मोदी ने लंदन के ऑक्सफोर्ड के क्राइस्टचर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। रूसी मोदी जब इंग्लैंड में थे तो उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने का मौका मिला। म्यूजिक के शौकीन रूसी मोदी ने इस दौरान आइंस्टाइन के साथ पियानो भी बजाया। रूसी मोदी खाना खाने के शौकीन भी थे, एक बार में वे 12 अंडों का आमलेट खा जाते थे। साल 1939 में रूसी मोदी ने 21 साल की उम्र में टाटा स्टील में बतौर फोरमैन के रूप में काम करना शुरू किया। तब उन्हें 50 रुपये सैलरी मिलती थी। नौकरी मिली, इसके बाद उनकी शादी सीलू मोगा सेठ के साथ हो गई। साल 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने टिस्को का राष्ट्रीयकरण की धमकी दी, तो रूसी मोदी ने कंपनी के मजदूरों के साथ जमशेदपुर के सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राइटर पार्थ मुखर्जी और ज्योति समरवाल ने रूसी मोदी की बायोग्राफी द मैन हु ऑल्सो मेड स्टील लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि रूसी मोदी की महत्वाकांक्षा ने उन्हें कंपनी के शीर्ष पद पर पहुंचा दिया, और यही कारण है कि रूसी मोदी को कभी JRD टाटा का उत्तराधिकारी कहा जाने लगा था। JRD टाटा मोदी पर कितना विश्वास करते थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि JRD टाटा ने साल 1984 में टिस्को के चेयरमैन पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया ताकि रूसी मोदी उस पद पर बैठ सके। वक्त गुजरा और रूसी मोदी की पूरे देश में बात होने लगी। उन्हें मैन पावर और मैनेजमेंट में महारत हासिल थी। वो टिस्को के चेयरमैन थे और कंपनी नई ऊंचाइयों को छू रही थी। साल 1992 उस समय टाटा समूह की सबसे अहम कंपनी टिस्को थी, और JRD चाहते थे कि इसकी कमान रतन टाटा को मिल जाए, लेकिन रास्ते में रोड़ा थे रूसी मोदी। टाटा समूह ने रूसी मोदी की शक्तियों को छीन लिया। जब वो लंदन में थे तभी कंपनी बोर्ड ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। एक झटके में रूसी मोदी अर्श से फर्श पर आ गिरे। जिम्मेदारी रतन टाटा के कंधों पर आ गई। रतन टाटा ने कंपनी का पुनर्गठन किया। ये कहने की बात नहीं कि टाटा स्टील अब इंटरनेशनल ब्रांड है, हालांकि बाद में रूसी मोदी ने कहा भी था कि रतन टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में सही विकल्प थे। टिस्को से बाहर होने के बाद रूसी मोदी ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में चेयरमैन रहे। साल 1998 में आम चुनाव में उन्होंने जमशेदपुर से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। पद्म भूषण से सम्मानित रूसी मोदी ने 16 मई साल 2014 को 96 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह दिया। दो दशक तक रूसी मोदी ने टाटा स्टील की जो मजबूत आधारशिला रखी, बाद के उत्तराधिकारियों ने उस पर खड़ा होकर ही सफलता की नई गाथा लिखी। उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया को यह बता दिया कि मानव संसाधन का किस तरह शानदार उपयोग किया जा सकता है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।